कारी छमिया रानी ऊ ससुर का नाती तुहार आसिक आए नहीं तो आएगा तो तेरी सास से बद कर देगा कमीने। हाय मैं मर जाऊं, इतना भरोसा है वो कागजी पहलवान पे। अरे सासे तो हम बंद करेंगे ऊ का टेटवा दवाई के और तुहार होंठों से होंठ दवाई के ताजा पिस्ता की रस बलाई। वारी छमिया बड़ी अच्छी पिचकारियां मारती है, राम कसम तोरा आसिक रुपया लेकर आ जाए फिर उका मार के तू का साथ लेके ई देश से बाहर निकल के पूरा एक महीना बंद कमरे में रखूंगा, फिर जी भर कर पिचकारियां मारना। सूरज को लॉकअप से भागे हुए एक घंटा हो गया, ऐसा तो नहीं कि वो आए ही ना। अबे बजर बट्टू, अगर आना ना होता तो वो भागता ही क्यों, तू चिंता मत कर, उस ससुर का नाती पीटरू का पीछे लगा हुआ है, आता ही होगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम देख सकते हो मैं बिना पुलिस फोर्स के बिना कोई हथियार के बिल्कुल खाली हाथ आया हूँ। देख तो हमरे इंस्पेक्टर, लेकिन इतना जानना चाहे कि तुम यहाँ आए क्यों? मैं तुमसे सौदा करने आया हूँ। मुझे आरती और सूरज चाहिए, उसके बदले में मैं तुम्हारी वो फाइल बंद कर दूंगा जो मैंने बनाई है हाई कमांड को देने के लिए। देखो भैया पुलिस वाले, पाप की जॉन दुनिया के हम गुरु घंटाल हैं, उनका गुरु ने हमका एक शिक्षा दी है कि औरत की जात, कदे की लात और पुलिस वाले की बात पर तब तक विश्वास मत करो जब तक उनका पूरा मकसद खोपड़िया में ना आ जाए। तो हम तुहार की बात पर क्यों और काहे यकीन कर ले, मैंने पूछा है। तुम्हारे यकीन के लिए इतना ही जानना काफी है कि ये आरती मेरे बचपन का प्यार है, इससे मैं शादी करना चाहता हूँ। विजय, तुम इतने खुदगर्ज हो सकते हो, तुम्हें सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हें पाना मेरी चाहत ही नहीं, मेरी जिद बन गई आरती, और अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतना याद रखना, तुम्हारी ये जिद तेरे जीते जी कभी पूरी नहीं होगी। भैया की बात मजा आ गया, तुम दोनों की हैया हैया सुनकर मजा आ गया। भैया तुहार का मकसद तो हमारी खोपड़ी में बैठ गया, लेकिन ये का सूरज मैं जाने कितने देरों में खो गया कि अभी तक आया नहीं। कृष्णा, सूरज को बादशाह ने कैद कर दिया। कहाँ वो सूरज? बादशाह कहीं या काहे को क्या था? केके शेर की तिजोरी का पैसा बादशाह के पास था, तुम्हें लाई रहा था कि इतने में पाशा पहुंच गया। कृष्णा, अब तो मैं तुझे वो पैसे भी दिला सकता हूँ। तू नहीं जानता कि पाशा मेरा सगा बाप है। क्या मजे की बात कही है अकेला सिंह। छोड़ दो इसे, लगता है इसे बचपन की मार फिर से याद दिलानी पड़ेगी। बचपन की मार ही नहीं पाशा, जिंदगी की हर बात मुझे याद आ चुकी है, और आज हर बात के हिसाब का दिन है पाशा। खबरदार, किसी ने हरकत की तो अपने अपने हथियार फेंक दो, पिताजी, वरना पाशा की लाश जमीन पर पड़ी होगी। Thank you.
जितने घाव इस पापी ने मेरे दिल पर लगाए हैं, जितने जख्मों के निशान तेरी जिंदगी में बनाए हैं, उन सबका हिसाब चुका दे। तुझे तेरी रगों में बहते हुए मेरे खून की कसम, मार इसे, मारता चला जा। डर फेंक दो सूरज महाराज, नहीं तो जेलर की जलेबी बन जाएगी। का जलेबी? कौन है तुम? ये हमारा दोस्त है पिताजी। पीछे पिताजी? हाँ, मैं विजय हूँ पिताजी, और मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है, इसलिए हम बिस्ना को यहाँ दोस्त बनाकर लेके आए। अपने बड़ों को दोस्ती की शर्तें भी बता दो इंस्पेक्टर साहब। हम बिस्ना को दो चीजें देंगे, एक तो वो फाइल जो मैंने इसके खिलाफ बनाई है, और दूसरा वो रुपए जो जेके सेठ की तिजोरी से चोरी हुई, और उसके बदले में बिस्ना हमें आरती देगा। होल एंड फाइनल। शाबाश बेटा, तूने आज खून का बदला चुका दिया है। आज तक मैं औरत को सिर्फ एक वासना का पुतला समझता था, लेकिन तेरे खातिर आज इस लड़की से एक नया रिश्ता भी जोड़ लूंगा। उस पोटली में रुपए पड़े हैं बेटे, लाकर इसे दे दो। बिस्ना, ये लो तुम्हारे पैसे, लेकिन अब तुम्हें इस शहर में कोई खतरा नहीं। मेरे पिताजी के पार्टनर बन जाओ, बहुत माल कमाओगे, क्योंकि अब इंस्पेक्टर विजय की वर्दी जो पाप की दुनिया का नाश करती थी, अब उसकी परवरिश करेगी। नहीं तो काला के चलने पे बनना आ जाऊंगा। और इस परवरिश का पहला काम है तुझ जैसे कुत्तों को खत्म करना। शाबाश विजय, किसी से दब के दोस्ती करना हमारे खून में नहीं, आज ये बात तूने साबित कर दी। अपनी जगह खड़ा रहे पाशा, वरना मैं तेरे सर के परखच्चे उड़ा दूंगा। विजय खामोश मत, ले तेरी गंदी जुबान से मेरा नाम। ये नाम मुझे मेरे पूज्य मामा जी ने दिया है। विजय का मतलब होता है जीत, और जीत हमेशा अच्छे संस्कारों की होती है, अच्छे परवरिश की होती है। यह नाटक मैंने सिर्फ आरती और सूरज को बचाने के लिए किया था, और तुझ जैसे पापी को उसके पाप की सजा दिलाने के लिए किया था। सुना कुछ पाशा, आज तेरा खून भी मेरी ही बोली बोल रहा है। गोली मत चलाना इंस्पेक्टर, छोकरी का टैटू दबा दूंगा। हाँ, नहीं तो मार दे छोकरिया को। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या पैतरा बदला है? जब तक पाप की दुनिया में तुम जैसे धुरंधर लोग हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज के बाद हम तुम्हें अपना पार्टनर बनाते हैं। हाँ तो सूरज महाराज, माल लेकर छुकरिया देने का सौदा हमने तुहार के साथ किया था ना? किया था ना? तो चल अपने हथौड़े जैसे हाथों से उकठरिया उठा और हमारे चरणों में धरकर प्रणाम कर। चल।
छोड़ दे इसको, हिल ये सुस्त रहे, हिल, मार दे इसको नितम। माल चोखरिया बिलाइट हनीमून Oh, shit!
क्या किया पीछे? अंकल, मैंने माँ कभी नहीं देखी। आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे बाप हो, आप ही मेरी दुनिया हो, सब कुछ हो अंकल। आपके लिए तो मैं हजार बार हंस के मर सकता हूँ। जय, सूरज मेरे भाई, आरती तुम्हें बहुत चाहती है, इसका तो Jay!